एनक्लेव यानी कि कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत चाइना से हुई। अब तक दुनिया भर में ये वायरस हजारों लोगों को मौत का पैगाम दे चुका है। हाल ही में सामने आई जानकारी की माने तो अब ये वायरस कई देशों में अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी देशों को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं क्या है कोरोना वायरस। ये वायरस बेसिकली जानवरों में पाया जाता है। ऊंट, चमगादड़ और कस्तूरी बिलाव जैसे जानवरों में ये वायरस होता है। नॉर्मली ये वायरस इंसानों में ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैल जाता है। चाइना की सिटी वुहान में ऐसा क्या हुआ कि इस वायरस ने दुनिया भर के लिए महामारी का रूप ले लिया। दुनिया में सबसे पहले चीन में ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैला और फिर व्यक्तियों के एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हुआ। कोरोना पीड़ितों की संख्या इतनी बढ़ जाने के पीछे की असली वजह अब भी सामने नहीं आई है। कोरोना के चीन से बाहर पहुंचने के बाद इंडिया में भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल में 288 से ज़्यादा लोगों को कोरोना संक्रमित होने की शंका में मेडिकल सर्विलांस पर रखा गया है। 19 जनवरी को चीन से लौटे बेंगलोर के एक व्यक्ति को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। NPR की हेल्थ रिपोर्ट की माने तो ये वायरस हवा और पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से फैल रहा है। इस वायरस के कॉमन सिम्टम्स यानी कि लक्षण की बात की जाए तो वो हैं बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी, डायरिया और शरीर में दर्द। इस वायरस से जुड़ी सबसे बुरी बात ये है कि अभी तक इसकी रोकथाम के लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। मेडिकल चेकअप और सिम्टम्स जान लेने के साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने, खांसी और सर्दी से पीड़ित लोगों से दूर रहने और जानवरों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से बचने को कहा है। इस जानलेवा बीमारी से जुड़ी जानकारी या कोई समस्या होने पर सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 शुरू किया है, जो 24 घंटे नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगा। याद रखिए, इस वायरस से बचने का एकमात्र तरीका है इससे बचाव और लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट। इसलिए सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।